नमस्कार दोस्तों, और हम बताना चाहते हैं आतंकवादी आतंकवादी और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं लोग बिहार पुलिस ने मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। और ट्रांजिट रिमांड लेना कितना सही था। ट्रांजिट रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया। मनीष जी, कहा जा रहा है कई बड़े नेता का नाम आपने लिया है, नहीं ये सब गलत बात कह रही है। जबरन मारा जाता है, घर गिरा दिया जाता है, जी कहता है, वो डॉन है, माफिया उसके बाद कहता है, वो जी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, तब ये भी ना कहीं तो कहीं लगता है जो आतंकवादी जो माफिया राज से जुड़ा हुआ रहता है तभी तो ये जी कह रही है, नहीं तो जी कहने का मतलब क्या बनता है। इतना बड़ा माफिया इतना बड़ा डॉन है, सरयाम गवाह मिलता है तो उसको मरवा दिया जाता है अतीक के गुंडों के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बताइए क्या ये सब सही है। मनीष कश्यप अच्छाई दिखाता है, रिपोर्टिंग करता है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता है, तो वो खराब हो गया है। अब बताइए, इसी से आपको पता चलता है जंगल राज पता चलना क्या दोस्तों, वीडियो देखा होगा अति क्या कहते हैं नाम, उसे कैसे नाम लेते हैं जी, जो उसको पुलिस का ये क्या कहता है ये अतीक अहमद, उसका बेटे का जनाजा नहीं हुआ है, एक कानून का जनाजा हुआ है, ऐसे बोला है। अब बताइए ये कहाँ का बात है। ये मनीष कश्यप अच्छा रिपोर्टिंग करता है, अच्छा दिखाता है, रोड के बारे में बताता है, करप्शन के बारे में बताता है, कहाँ कहाँ घुसखोरी हो रहा है रोड में, जो क्या कहते हैं जो रोड में जो रोड का इंजीनियर है, पुल का इंजीनियर है, बिल्डिंग का इंजीनियर है, स्कूल का इंजीनियर, कुछ हर चीज़ का इंजीनियर, उसके बारे में दिखाता है करप्शन के बारे में, तो उसके ऊपर मंत्रियों को बुरा लगता है, बिहार का मंत्री का। अब बताइए, अब उसको बुरा लगना चाहिए, उसको सोचना चाहिए ना, ये तो हमारा ही काम कर रहा है कि हमको मदद कर रहा है, हमको थोड़ा और जागरूक होना है। लेकिन ये सब न सुन के डायरेक्ट उसको FIR करवा दिया, उसी भी बात नहीं बना तो उसके ऊपर NSG लगवा दे रहे। तेजस्वी यादव को क्या कहो हम, बिहार को सरकार को, तेजस्वी यादव को, उसको तो चलने का ढंग नहीं है, कौन सही है क्या गलत है उसको पते नहीं है, क्योंकि वो नौवीं फेल है, नौवीं फेल पे उसको अब आतंकवादी को जी कहेगा। जो पढ़े लिखे आदमी है, जो अच्छा काम करता है, उसके बाप फौजी है, उसका दादाजी फौजी है, अब बताइए इसको ऊपर कर दिया, NSC लगवा दिया और FIR करवा दिया, ऐसे आदमी को पकड़ लेते हैं। यूपी में उसको जी कहते हैं, जो यूपी में अभी अतीक अहमद के बारे में उसको जी कह रही है। अब बताइए ये आप सोचिए कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव को बोलने का ढंग तो है नहीं है, जी किस बात पे कह दिया उसको, जो सरयाम धांधली करता है उसको मर्डर करवाता है, उसको जी किस बात पर कह दिया। इतना सारा पब्लिक को उसको इतना सारा पब्लिक को उसने मार दिया है, उसको घर लुटवा दिया है, घर लूट लिया है, अतीक अहमद के बेटा अतीक क्या उसको इनकाउंटर कर दिया है पुलिस वाले, तो वैसे लोग जी कहता है। ठीक है, और जो ये है मनीष कश्यप, इसको FIR करवा दिया है। दोस्तों सावधान हो जाइए, और मीडिया यूट्यूबर मीडिया वाले भाई से कहना चाहता हूँ, नहीं तो आपको भी दिन आएगा, कोई आवाज़ आपके लिए आवाज़ उठाने नहीं आएगा। अब बिहारी भाइयों से कहना चाहते हैं, मनीष कश्यप भाई के चाहते हो तो आई सपोर्ट जरूर कमेंट में लिखिएगा, और मनीष कश्यप धांधली से मनीष कश्यप जय हिंद ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, बिहार का लाल है, बिहार के लिए सोचता है, बिहार की आवाज़ के लिए उठाता है, तो नेताओं का मिर्ची लगता है कि हमारा पोल ना खुले, हमारा जो बिहारियों का अंधेरे में रखता है इसके अंधेरे में रहे, बुर्बक बन के रहे, हम होशियार बन के रहेंगे। अबे मंत्री का बेटा मंत्री तो बन गया है, लेकिन उसको दिमाग राज चलाने के लिए उसको दिमाग चाहिए। ठीक है, वो तो हमारे पास दिमाग नहीं है, किस तरह दिमाग का राज चलाया जाता है, राज को भूखे नहीं मरने देता है ऐसा मंत्री होता है, उसको काम देता है, रोजगार देता है, हर चीज़ से सुविधा देता है, हर चीज़ से मुहैया करवाया जाता है। लेकिन ये तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो तू करे उसके बारे में पते नहीं है, तू क्या करेगा है?
इसके बारे में तुम्हें तो पता नहीं है क्या करेगा, किस तरह काम किया जाता है, किस बिजनेस में से किस तरह बात करना है, उसको पता है तुमको? कुछ नहीं पता है। बिहार को तो कैसे चलाएगा?